दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों खास मुलाकात में आपको हम लोग विभिन्न शख्सियतों से मुलाकात करवा रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी में उन लोगों ने कितना कुछ संघर्ष किया और आज इतने बड़े मुकाम पर वो कैसे पहुंचे। शिखर पर पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और उस शिखर पर बैठकर एक सामान्य व्यक्ति का जीवन वो कैसे जीते हैं, यही हम आपको अपने खास मुलाकात के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। और आज दोस्तों हमारे साथ एक और बड़े उद्योगपति, रियल एस्टेट का एक बड़ा नाम रविशंकर अग्रवाल जी हैं और उनसे मुलाकात करेंगे और आप उनसे पूछेंगे कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आज वो इतने बड़े एक सुनाम है, एक इतना बड़ा नाम है, कैसे उन्होंने कितना संघर्ष किया अपने जीवन में और किस प्रकार से आज इतनी बड़ी हस्ती के रूप में वो कोलकाता में मौजूद हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। रविशंकर जी बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति में। नमस्कार रविशंकर जी, सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और किस प्रकार से हरियाणा से जब कोलकाता आना हुआ, पश्चिम बंगाल, और फिर यहीं के हो गए। और यहाँ की मुख्यमंत्री भी कहती हैं कि जब जो लोग बाहर से यहाँ आते हैं वो यहीं के हो जाते हैं। ऐसा है, इस मिट्टी के अंदर में ये खुशबू तो है कि जो यहाँ का आता है वो होके रह जाता है। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ यहाँ पे। हमारे दादाजी आए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, आने के बाद वो यहाँ रह गए, यहीं पे हमारा तो जन्म और पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा सब यहीं हुई है। कलकत्ते से ही हमारी शिक्षा हुई है, स्कूल कॉलेज हमने सब किया है और अलीगंज में ही हम रहते थे। और ये सौभाग्य हमारे दादाजी, हम दक्षिण कलकत्ता में ही शुरू से थे, मतलब वो बड़ा बाजार हम नहीं रह पाए और इसी तरह रहे। और बंगाल के अंदर में ऐसा है, आपको बंगाल लगता है जैसे कॉस्मोपॉलिटन इंडिया, यहाँ पे हर क्षेत्र के आदमी हैं, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे कहीं के हो। जैसा कि आपने सुना आप विंध्या ग्रुप, तो हमारे काफ़ी परिचित जो हैं बनारस बेल्ट से हैं और विंध्यवासिनी एक मंदिर है मिर्जापुर के पास, माँ का मंदिर है, तो मैं आज वहाँ पे 40 साल से आता जाता हूँ और माँ की प्रेरणा से ही मैंने अपने समूह का नाम विंध्या ग्रुप रख रखा है और सारे काम माँ की कृपा से ही करता हूँ। हम लोग इनके बारे में, इनसे चर्चा कर रहे हैं और इनके बारे में आपको बता रहे हैं, तो दर्शकों मैं बता दूं कि विंध्या समूह एक बहुत ही बड़ा नाम हो गया है रियल एस्टेट बिजनेस में और इतनी सफलतापूर्वक आप ये जो समूह है उसको चला रहे हैं, तो क्या मतलब किस प्रकार से शुरुआत हुई और कितनी तेज गति से यह चल रहा है? शुरुआत की बात है, इस समूह की नींव जो है मैंने 1996 में रखी, जब मैं उसके पहले मैं दूसरे काम करता था। हमारे फैक्ट्री जो फैमिली बिजनेस जो है फूड एंड ग्रेन का है, फूड एंड ग्रेन का बिजनेस मैं 1988 तक परिवार के साथ करते रहा। उसके बाद मैं लोहे की लाइन में गया, लोहे की लाइन में जाने के बाद फिर लोहे से ही मैंने काम किया, जो कि लोहे के काम में 2008 तक रहा। और 2000 में मैंने विंध्या ग्रुप को अलग से ग्रुप बनाया और इसके अंदर में हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, सरकारी कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, कुछ हम लोग शिक्षा का काम भी करते हैं और अभी हम लोगों ने एक फिटनेस क्लब भी खोला है। अलग अलग काम करते हैं इस ग्रुप के अंदर में। बस सफलता का श्रेय यही जाता है कि मन से करो, कभी सोच नकारात्मक सोच मत करो, आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि विंध्या समूह तो सफलतापूर्वक अब नई नई रोज ऊंचाइयों को छू ही रहा है, लेकिन ये रविशंकर अग्रवाल जी बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के भी माने जाते हैं और समाज से भी जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति जब शिखर पर आकर बैठ जाता है फिर भी वो समाज के से कितना जुड़ा होता है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है रविशंकर अग्रवाल जी। और सर, समाज को और धर्म को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं और दोनों को अगर हम जोड़ें तो किस तरह से देखते हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, धर्म से हमारी पहचान हमारी संस्कृति की होती है, समाज से हमारा व्यवहार जुड़ा होता है। समाज में नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के समाज लोग समाज आते हैं उनसे हटे, पर धर्म आदमी को उसके संस्कार, उसकी शिक्षा सिखाती है। और धर्म के नाते अगर धर्म नहीं होता और ये नहीं होता तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं होते, क्योंकि वही चीज सीखने को मिलती है। जब तक हम किसी भी आदमी, अगर हम बाहर जा रहे हैं, छोटा सा एक सपोज लीजिए, आप किसी टैक्सी में बैठे हैं, टैक्सी वाले से उतर के सिर्फ दो प्रश्न पूछिए कि भाई तुम्हारे परिवार में कौन है, आपका क्या है,
उसे आप भले ही दोबारा जिंदगी में नहीं मिले, पर आपको उस श्रेणी की क्या तकलीफ है, क्या सुविधाएं हैं, उससे आपको जानकारी मिलेगी, आपको जुड़ने की चीज मिलेगी। और कभी उस दिन हो सकता नहीं हो, आपको 10 साल बाद 5 साल बाद चेतना में आएगी। समाज में जुड़ना में कुछ नहीं जाता, आपको समाज की तकलीफों को देखने की, उसके साथ बांटने की इच्छा होनी चाहिए, और समाज के साथ जुड़ जाएंगे। और धर्म तो ऐसा है, धर्म के लिए तो धर्म ही हमारी जड़ है। एक सवाल मेरे मन में आता है कि जिस प्रकार से अभी जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, नया वेरिएंट जो लोगों को थोड़ा डरा रहा है, धमका रहा है, रोजाना उसके जो मरीज हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा इजाफा हो रहा है, और शायद जनवरी या फरवरी में इसकी गति भी बढ़ सकती है, और जो पिछला कोरोना गया उसमें भी एक आपसे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा है। आपने मुझे पर्सनली भी कहा कि किस प्रकार से कोरोना का जो अनुभव है वो दर्शकों को आप शेयर करना चाहेंगे, और अब आगे की कहानी हम रविशंकर अग्रवाल जी बताएंगे। देखिए, कोरोना पिछले साल 22 मार्च को पहली बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री की आवाज पे एक वो रखा था 12 घंटा का। वो 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने संपूर्ण भारत में लॉकडाउन का डिक्लेयर कर दिया। 26 मार्च 2020 से मार्च अप्रैल में 30 जून तक मैं रोज घर से निकलता था, और दो जगह रेगुलर हमने कम से कम 1000 से 1200 आदमियों को खाना खिलाया है, सेवा की है। एक हमारा कैंप लगता था भूतनाथ मंदिर के पास, एक आरजीकर हॉस्पिटल के पास। आरजीकर अस्पताल के बाद जो मैं कैंप लगाया, उस कैंप से मुझे लगता है कि समाज में जुड़ने के लिए अस्पताल में उस वक्त ऐसा अनुभव हुआ, लोगों के पास अथाह पैसा है और वो भी खाने के लिए उस लाइन में रखे थे, जो बयान करने पे मुझे शब्द नहीं है मेरे पास। 2-4 केस उस वक्त ऐसे भी थे, इस घरों के सब जो लोग रोगी भर्ती थे, इनके पास पैसा था पर खाना नहीं था, उस वक्त हमने किया। और उस कोरोना को करने के बाद उसी के बीच में आम्फन भी आया था। उस आम्फन के काल 21 मई को आम्फन आया था बंगाल में, और उस दिन भी मैं कलकत्ते में सड़कों पर 2:30 बजे तक था, 2:30 बजे बाद घर आया। आने के बाद दूसरे दिन मैं, चूंकि एक बिल्डर हूँ, बिल्डर होने के नाते मैं अपनी मशीनों के साथ सड़क के अंदर में उतर गया था कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर के आह्वान पर, और रस्ते के काफ़ी जगह काशीपुर में, सदन एवेन्यू में, कस्बा में हम लोगों ने पेड़ हटा के लोगों के लिए रास्ता के लिए बत्ती उत्ती की। 4 दिन तक बड़ी परिश्रमा थी। उसके बाद दोबारा डेल्टा आया, इस बार भी हम लोगों ने वही शुरू किया खाने पीने का, पर लोगों ने डेल्टा के समय में उतनी सावधानी नहीं बरती, और डेल्टा ज़्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारे पास संसाधन उस वक्त उतने विकसित नहीं हुए थे। आज ओमिक्रॉन स्प्रेड कर रहा है, कल क्या होगा नहीं मालूम, पर हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा साधुवाद देता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में उन्होंने 145 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन कर दिया, और वैक्सीनेशन ही उसकी दवा है। इंडिया आज के दिन वैक्सीनेशन में सर्वोत्तम है। रही बात ओमिक्रॉन की, तो अभी देखिए ओमिक्रॉन आया है, इससे हमें सावधानी बरतनी है, हमें पूरी तरह किसी भी चीज की, जब हम अपने पुराने अनुभव से सावधानी, क्योंकि हम लोगों ने चाहे कोविड की कोरोना का 19 आया या डेल्टा वेरिएंट आया हो, दोनों में सावधानी बरती तभी हम उससे पार कर सके। सावधानी नहीं बरतने पे, क्योंकि एक छोटी सी कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखा आपने कि किस प्रकार से इन्होंने अपने कोरोना का जो अनुभव है, कैसे हजार हजार लोगों को इन्होंने सेवा दी है, खाना खिलाया है, और पैसे भी बहुत लोगों के पास थे लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं था, उन तक किस प्रकार से मुहैया कराई है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि जो सक्सेसफुल इंसान है वो ऐसे ही महान नहीं बन जाता है। इन्होंने अपनी रातों की नींद बेची है, दिन का चैन बेचा है, और तभी तो आज विंध्या समूह जो है ये इतना नाम कमा रहा है और इतनी बड़ी पहचान बना रहा है। मेरे मन में अंतिम सवाल आ रहा है अग्रवाल जी की, जो लोग बिल्डिंग में, बिल्डर के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, रियल एस्टेट में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, और जो युवा आपको इस वक्त देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत कर बहुत संघर्ष करके आज इस मुकाम पर आज पहुंचे हैं, तो आप बताइए कि उनके लिए आपका क्या संदेश है।
एक ही छोटा सा संदेश है, जाग के सपने देखना पड़ेगा, रात सो के सपने नहीं देखना पड़ेगा। कि अगर आप जाग के सपने देखेंगे तो भगवान भी आपके पूरी करता है। ऐसा बात नहीं है कि हमारे जीवन काल में कभी तकलीफ घटना नहीं आई हो, हमारे भी आई है। और चूंकि हम धर्म से जुड़े थे, हमारा विश्वास भगवान पे था, माँ विंध्यवासिनी पे और बाबा भूतनाथ पे विश्वास था, और हर समस्या का समाधान आप थोड़ा सा चिंतन करके कीजिए, वहीं आपको आएगा। क्योंकि वो भी हमारे भगवान जो हैं, हमारे माता पिता ही हैं, अदृश्य माता पिता हैं, इसलिए वो कोई ना कोई समाधान जरूर है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज, हर खबर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।